बहुत देर हो गई चाय पीना, क्योंकि पूरा आज पूरे किचन की सफाई करी, पीछे की करी, सब इधर की करी, पूरा ऊपर नीचे सब जगह धुलाई करी। तो जस्ट अभी हम बारिश होने लगी, अक्टूबर की मैंने देख लिया बारिश हो रही है। वाह वाह वाह, हमें लग रहा है इसी से ठंडक आएगी। बहुत देर तो बादल बोल तो रहे थे, अब वही नीली बारिश होने लगी। देखो कबूतर, देखो बस। हाँ लोग कपड़े पड़े हैं उनको, मैडम को बुलाओ, कपड़े उठाए आके सब भीग रहे। तेज हो गई, हटो हटो हटो, लो दस्तखान रखो ले जाकर। तेज बारिश हो रही है। चलो डाल लो, कुछ डाल लो, मेरा मस्करी बन गई, सब कीचड़ कीचड़ हो जाएगी। बहुत तेज बारिश हो रही है, देखिए शाम का बज रहा 4 होने लगी है बारिश। तो इस मौसम देखिए कितना अच्छा हो गया, अच्छा अच्छा मौसम। आप लोग हमारी वीडियो कहाँ कहाँ से देखते हैं कमेंट में बताइएगा। ये सारी हम कह रहे हैं तो बता दिएगा आप लोग। अच्छा क्यों, ऐसा क्यों? मैं जाना चाहता हूँ। वेलकम बैक टू का कर दो। हैं? वेलकम बैक, वेलकम बैक। अरे चैनल की स्टार्टिंग करो। लो अच्छा लग रहा है, ठंडक पड़ गई है वापस, लग नहीं रहा है पड़ गई। इससे आएगी ठंडक, इससे आएगी ठंडक। मुझे लग रहा है वो बिल्डिंग गिर जाएगी थोड़े दिनों में। हटो कपड़े उठा दे अब्बा के। क्या स्टाइल है देखे, ये मुर्गी वाला हेयर स्टाइल बनाया तुमने। मुर्गा लग रहा है एकदम। तो गाइस यहीं से मेरा ब्लॉग होता है स्टार्ट। तो वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग, अस्सलाम वालेकुम। मैंने तो स्टार्ट कर दिया था व्लॉग। तो जैसे कि सारिन ने कहा कि आप लोग मेरी वीडियो कहाँ कहाँ से देख रहे हैं कमेंट करके बताइए, तो आप लोग बताइएगा। तो गाइस मेरे बाल मतलब बहुत तो रहे इतने इतने फ्रेंड मेरे बाल झड़ रहे हैं कि पूछिए मत, बस क्या ही पता क्या लगा है फ्रेंड्स, कुछ समझ ही में नहीं आता। आप लोग को कुछ पता हो तो प्लीज़ बताइए हमें, तो हम लगाएंगे। बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स बाल झड़ रहे हैं, देखिए कितने पतले हो गए, क्या करें बालों को समझ बाल नहीं आता। बस फ्रेंड जब से हमने कर्लिंग करवाई बालों में कलर, जब से मेरे बाल बहुत ज़्यादा झड़ने लगे, वरना अच्छे खासे थे लेकिन अब क्या ही बताएं। तो चलिए ब्लॉग के साथ बने रहिएगा, आपसे बताएंगे। अभी सबसे पहले मेरे भूख लग रही है तो हम कुछ खाने का खाएंगे, उसके बाद बंद करो। चलिए मिलते हैं अभी आपसे कुछ खाने पीने के बाद। 2000 years later. भाई रात का बज रहा 7, तो मम्मी का फोन आया था, वो पूछ रही थी खाने में क्या बनेगा। रोज के तरह खाना बनना, खाना सोना, यही सब जिंदगी में बस यही रह गया फ्रेंड्स, और कुछ हो ही नहीं रहा। कोई अच्छा कुछ हो जाए, कुछ नई जगह चले जाए रहने, देखिए कब वो दिन आता आएगा इंशाल्लाह। अच्छी नीयत होगी तो सब कुछ होगा। तो गाइस तो खाने का मम्मी पूछ रही थी क्या बनेगा, तो हमने कहा मम्मी हमसे कह रही थी आलू का सालन बना लो, हमने कहा आलू का सालन तो हमें पसंद ही नहीं, हम नहीं खाते हैं बहुत कम, हम करी वरी वाली चीज़ें बहुत कम खाते हैं, हमें चावल पसंद है या भुनी भुनी चीज़ें पसंद है, ये सब ज़्यादा हमें पसंद आता है। तो मम्मी से हमने बोला हम बिरयानी बनाएंगे, तुम आ जाओ मसाला वसाला लेकर। तो कहेंगे अच्छा ठीक है बिरयानी बना लो, और मम्मी काफ़ी दिन से कह भी रही थी, तो आज हमने सोचा मम्मी के पसंद का बना ले। हमेशा तो बच्चों को पसंद का खाना बनता, कभी कभी मम्मी को पसंद का भी बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, आप लोग बताइए। तो मम्मी को बहुत दिन से कह भी रही थी कि वो बड़े की बिरयानी खाएंगी, तो आज मम्मी के लिए बहुत बढ़िया वाली बड़े की बिरयानी बनाएंगे आप लोग के साथ, आप लोग को भी ज्वाइन करेंगे। तो चलिए करते हैं तैयारी, पहले गोश्त रखा है फ्रीजर में भिगो दें, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा आइस जम गई है बर्फ़। तो चलिए करते हैं तैयारी बिरयानी बनाने की, आज कुछ है भी नहीं, वैसे भी कहीं जाना नहीं, कुछ भी नहीं, चलिए खाना ही बनाते हैं दिल से। तो आज मेरा मन है दिल से हम खाना बनाएं, तो दिल से खाना बनाएंगे आज हम। ऐसे भी फ्रेंड्स हम रोज़ ही दिल से खाना बनाते, मेरा खाना कभी गलत नहीं बनता, चाहे हम जल्दी बनाएं चाहे हम देर बनाएं। हाँ बस उस दिन कबाब में बहुत ज़्यादा पानी हो गया, तो उस दिन गलती हो गई थी खाली बस।
चलिए फिर चलते हैं किचन में, गोश्त भिगो देते हैं। जैसा गाइस देखिए आज हमने नया लाइटर ले लिया क्योंकि तो बहुत दिन से वो चल नहीं रहा था, उसको ठोक ठोक के चलाते थे। ये देखिए बढ़िया एकदम गाइस, हवा इतनी ठंडी ठंडी आ रही, गैस जल ही नहीं पा रही मेरी। देखिए इतनी ज़्यादा पानी दो, लूप पकड़ा चाय वाला आते हैं यहाँ पे। तेज हवा चल रही, गैस की फ्लो इधर हो रही इधर हो रही, कभी इधर हो रही कभी इधर हो रही। तो चलिए पहले चाय बनाते हैं, निकाल मुड़ लिया फिर भाई यही खा लेंगे। पापड़ नहीं मिला आजकल, फिर पता नहीं क्या हो रहा, पापड़ मिली नहीं रहे मार्केट में, ऐसा क्यों। चाय चढ़ा दी, दूध पक रहा है और ये देखिए घर में जिंजर गार्लिक पेस्ट ख़त्म हो गया, तो हमने चलो इसी का इसी से काम चलाते हैं। तो चार ये डालेंगे और ये बिरयानी मसाला, ये दही और ये करा मंगाई अपने लिए मैगी, हमको मैगी बहुत खाना रहती है। सैटरडे संडे 9 बजे आएगा, तो आज से बिग बॉस की केमिस्ट्री शुरू हो जाएगी, कौन क्या करेगा, लड़ेगा या कुछ भी। लेकिन ज्यादातर फिर बिग बॉस में सब यूट्यूबर आए थोड़े, तो ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा। कुछ ही बस जो है सब बस सही चाय खोलने वाली, धीमे करते तो वरना भी खोल जाते। तो बस जल्दी जल्दी सारा काम खत्म कर ले, 10 बजे हम फ्री हो जाएंगे। आज सब हम अब जब से भी बहुत शुरू हो गया कल से, तो अब सारा काम हम जल्दी ख़त्म कर लेंगे 10 बजे तक, मतलब 9 साढ़े 9 बजे सारा काम ख़त्म करके खाना बिग बॉस देखते ही हम खाते हैं। तो जल्दी बिरयानी तैयार कर लें, तो वैसे भी बिरयानी हमें सिर्फ 1 घंटा लगता है, फटाफट सब बना लेंगे। लेकिन हाँ टाइम तो लगेगा, बिरयानी अखनी बनाओ फिर वो क्या बोलते उसको, हाँ पानी चढ़ाओ फिर अदन खोलेगा फिर पसाना है फिर ये फिर वो, दुनिया भर के काम होते हैं। इस किचन में एक काम नहीं होता, बहुत सारे काम, खाना पकाना ही नहीं होता, बहुत कुछ होता, बर्तन निकलेंगे बर्तन धोना ये वो। तो आप लोग सोच रहे हैं कितना बोर कर रहे हैं, चलिए चाय निकालते हैं, खोल गई और दूध भी पक रहा, मिलते हैं आपसे कमरे में। आप चाय पियो, सुबह तक गायब थी यार, कहाँ थी सुबह से? आज खतरे सर में दर्द हो गया बगैर लाइट के, लेटी लेटी लाइट नहीं लगती, दिन भर नहीं लगाती क्या? नहीं तो पीनी चाय है, है उनको पीनी, ठंडा कितना हो गया, लग रहा नवंबर आ गया एकदम से, जब से शाम से पानी गिरा लग रहा तब नवंबर आ गया। ठंडा कितना, किचन में जाके देखो ठंडी ठंडी हवा आ रही, फिर एकदम से ठंडा बढ़ गया। अब क्या होगा, कपड़े लेते थे किसी ने निकाले ही नहीं थे। देखिए देखिए पंखे वंखे सब बंद है, एसी बंद है, बहुत ठंडा हो गया। मम्मी आते ही सो गई क्योंकि वो सुबह से जग रही थी, तो इसलिए वो आते ही सो गए, खाना भी नहीं खाया। अभी जब उठेंगी 10-11 बजे तक तो उनको खाना दे देंगे। खाने में फ्रेश आज बिरयानी नहीं पक्की, वो क्यों, क्योंकि कैंसिल हो गया बिरयानी बनाना, वो इसलिए क्योंकि बहन का कॉल आई तो बोलने लगी कि बिरयानी हम भी बना रहे तुम ना बनाओ, दो दो जगह बनेगी क्या फ़ायदा, हम भेज देंगे तुम्हारे लिए। तो हमने कहा मतलब तुम्हारे लिए क्या, सबके लिए भेजेगी। तो हमने गोश्त फिर बना लिया, थोड़ा सा भुना वाला गोश्त स्टू, मम्मी को पसंद था तो मम्मी खाती नहीं चिकन की बिरयानी, तो हमने उनके लिए भुना भुना गोश्त बना दिया थोड़ा सा, हम लोग बिरयानी खा लेंगे। तो हो गया खाना आज का, अब हम बड़े की बिरयानी बनाएंगे जुमे रात को। अब कल भी नहीं बनी क्योंकि आज गोश्त बन चुका, कल बन जाएगी सब्जी वब्जी कोई, परसों फिर जुमेरात है, शायद परसों ही है जुमेरात, परसों या नरसों पता नहीं। तो फ्रेंड्स आज बिरयानी नहीं बनी, बिरयानी से छुट्टी है आज, तो रात का बज रहा 9। तो फ्रेंड्स हम सोच रहे टीवी खोले देखे बिग बॉस आ पाएगा कि नहीं, शायद कल ही वाला लग जाए क्योंकि हमने कल थोड़ी थोड़ी सी क्लिप देखी थी बस, ज़्यादा देखी ही नहीं थी। तो चलिए देखते हैं, ट्राई करते हैं, अगर आ जाता तो कल का थोड़ा सा देखते हैं, फिर शाम का अभी 10 बजे लाइव देख लेंगे जियो पे। तो हो गया ना सब काम, चलिए देखते हैं टीवी। मैगी बनाई बहुत टेस्टी बनी है, टेस्टी बनी थोड़ी सी, मेरे तो कुछ प्याज या टमाटर मटर डाला ही नहीं, अब इतनी कारीगरी करने का टाइम नहीं था मेरे पास। वाह सही बात, यही बना लिया बहुत किया। तो गाइस इसी तरह बनाई मैगी, बनाई देखी ना टमाटर है ना प्याज है, सिर्फ हरी मिर्च है बस। खाने वाला होता पता काम क्या, मम्मी तो ये खटाटे लेके सो रही, रात का बच रहा 9। चलिए थोड़ी सी टेस्टी, ये देखिए फ्रेंड्स ये पता नहीं क्या मंगाया करा ये क्या है, ये सिलिकॉन इसको बोलते हैं, कुछ इसमें बनता है आपुन साबुन जो भी है।
डिजाइन बनेंगे बस डिजाइन ही सोप बनेगा, ये फ्रिज में रहता है, फ्रिज रहता है वो वाले में नहीं फ्रिज हो पाता ना सोप। अच्छा डिजाइन थोड़ी नहीं बनेगा, डिजाइन वाले मिल गया। फर्जी ये देखिए मंगाया फ्रिज इकरा ने, जो काम करती फर्जी बस। घर में बनाई साबुन, इनके पास साबुन तो है नहीं। अरे फेस वाला वो आजकल चल रहा है। कौन सा फेस वाला? मतलब सीधा तुम ही लगाओ, फिर हम तो कुछ भी लगाते हैं, मेरे तो चेहरे में दाने निकल आते हैं, कुछ भी नहीं, मेरा कुछ भी नहीं शूट करता। मेरी ऑयली स्किन है, इसको बोलते हैं ऑयली स्किन, ऑयली स्किन वालों पर नहीं नहीं शूट करता कुछ, ऑयली ही है मेरी तो, कुछ ज्यादा शाइन करता। चलिए फिर मम्मी मैगी खाते हैं, थोड़ी सी देखते हैं कैसी बनी। इकरा ने इतना बड़ा काम कर दिया, मैगी बना ली अपने लिए। मम्मी सो रही है, उनके खर्राटों की आवाज आ रही होगी आपको। पंखा या एसी एक चीज से खोलो पागल तो है, ठंडा तो है, एसी क्या खोलो, ठंडा तो लग रहा था। तो वहाँ के किचन में फिर बहुत बड़ी गलती हो गई, दूध पका के हमने किचन में ही रख दिया, वो बिल्ली ने उसमें मुँह डाल दिया, पूरा एक किलो का दूध उसने बर्बाद कर दिया। अब मम्मी की बातें हम सुनेंगे, एक किलो से ज़्यादा क्या ही बता, दिमाग से फिर एकदम मेरे होता कि वो जिक्रा रोटी बना के निकली तो उन्हीं ने ये दरवाज़ा नहीं बंद किया और ना याला बंद किया, उधर से वो आ गई, उसने पूरा दूध खराब कर दिया। ये देखिए पूरा दूध की सत्या फेट दी, अब मुँह डाल दिया, अब शक हो गया, प्लेट की आवाज़ आई गिरी, जाहिर सी बात मुँह तो डाला ही होगा, अब शक हो गया, पिएंगे है ही नहीं किसी कीमत पर। अब फ्रेंड्स एक तो मुँह डाल के फिर दूध पिएगी नहीं, दोबारा झूठा कर देती, फिर पीती नहीं दोबारा। बस ये देखिए मुना मुना स्टू बनाया, देखने आए तो इतनी ठंडी हवा आ रही है, सारा दूध बिल्ली ने खराब कर दिया। देखते हैं गला की नहीं, गला तो फ्रेंड पता नहीं क्या हो गया, कुकर में सीटी नहीं आ रही, अब समझ में आ रहा है गला की नहीं गला कैसे। देखे मम्मी सो, तो चलिए देखते हैं इसको गला की नहीं गला, छुरी से देखते हैं। गला की नहीं गला तो समझ में नहीं आ रहा फ्रेंड्स हमें, गला की नहीं, वह लगना ही पड़ेगा। सो गाइस फाइनली बहन ने बिरयानी भेज दी, ये देखिए नहीं आ रही है, नहीं है उसके तो अच्छी तो लग रही दिखने में, तो चलो तारीफ तो पहले कर दी है, तारीफ करते हो ना। तो चलिए गरम करते हैं इसको, खाना खाता, मम्मी को उठा लो, ऐसा सो रही है, कई दिन से नहीं सोई, इसको गरम कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए सी है ये डॉली की भेजना, तो फ्रेंड चलिए ये गरम हो रही है, जब तक हम लोग रोटी खाते हैं। मम्मी उठ गई, फ्रेंड मम्मी तो ऐसा सोई जैसे लगा दो दिन से सोई नहीं, सबसे आई सो ही रही तो खाना खा लग गया। चलिए बस खाना खाते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपसे। मम्मी मूड हो गया अगर खा चुके हैं, अलहमदिल्ला आज बनाया था स्टू और डॉली ने भेज दी थी बिरयानी, तो दोनों चीज़ें हो गई, बिरयानी भी खा ली, स्टू भी खा लिया, और मम्मी ने भी पेट भर के। गाइस पानी देखिए कितनी तेज़ गिर रहा है, पानी देखिए खाली आप, अल्लाह इतनी तेज़ पानी गिर रहा है, पानी गिर रहा है, बहुत तेज़ बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा ही, खाना खा के उठे बाहर आकर देखा इतनी तेज़ आंधी आने लगी और पानी मिलने लगा, तेज़ पानी तारीफ कैसा लगा भीग के तुम? ये नमक लेने गए थे पानी आ गए होंगे कोल्ड ड्रिंक किस किस कर रहे तारीफ थरथरा रही है हिल रहे यार। गुड नाइट अल्लाह, गुड नाइट। ये पानी से अब आ जाएगी ठंडक, तो जिस तरीके से पानी गिर रहा है इतनी तेज, तो जाहिर सी बात है ठंडक तो आ ही जाएगी, नवंबर से पहले ही हमें लग रहा ठंडक आ ही जाएगी अक्टूबर में। तो गाइस खाना पीना खा लिया, बिरयानी भी खा ली, सब कुछ खा लिया अल्हम्दुलिल्लाह, तो आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह कल वाले ब्लॉग में। उम्मीद करते हैं आपको ये ब्लॉग ज़्यादा अच्छा नहीं लगा होगा, नहीं भी अच्छा लगा हो तो भी लाइक कर दिएगा, शेयर कर दिएगा, सब्सक्राइब कर दिएगा, और कमेंट में बताइएगा आप लोग कहाँ से हैं जो भी देखता है मेरी वीडियो। तो मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में, अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट, टेक केयर।